आप कल्चर के वजीर हैं मैं ज़रा इकनॉमिक टर्म में बात कर रहा हूँ कि आई टी आई तो दुनिया का कल्चर बदल गया मीशत का कल्चर बदल गया फिर इनोवेशन में आर्टिफिशल uh, इंटेलिजेंस आ रही है बिल्कुल कल्चर बदल जाएगा आप मसलसल बात कर रहे हैं मेरे एक पिछले शो में भी आपने बात की कि जो हमारा हेरिटेज है कल्चर है इसमें हम क्रिएटिव इकानमी ला सकते हैं आईटी के होते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए हम ये कैसे कर सकते हैं कैसे मुमकिन है प्राचा साहब कल्चर जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है उसमें जितनी भी जिद्दतें हैं जितनी भी इनोवेशनस हैं वो सारी की सारी कल्चर जो है वो अपने अंदर इनगल्फ कर देता है तो एक तो कल्चर जो है वो हमारी आइडेंटिटी के साथ लिंक्ड एक चीज़ है जो हमें बताती है कि हम किस ज़मीन पर पैदा हुए हैं हमारी ज़मीन की खसूसियात क्या है तारीख़ क्या है हेरिटेज वगैरह 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 वो हमारी शनाख्त हिस्सा है जब आपकी शनाख्त मजबूत हो जाए तो आप तैयार होते हैं किसी भी चैलेंज के लिए चाहे वो चैलेंज आईटी लाए या आर्टिफिशियल रियलिटी लाए ऑगमेंटेड रियलिटी लाए आपने अलर्ट होना है आपने ज़ाहिर कल्चर जो है वो जामत तो नहीं रहता है मुसलसल वो चेंज होता रहता पैसे है पैसे कैसे कमा सकते हैं ना पैसे पैसे ना कल्चर का ताल्लुक जो है वो मकालमे से है लोगों को एक दूसरे के करीब लाने से बहुत सारे जराए जो कल्चर के हैं टूल्स जो हैं जो इंस्टीट्यूशन like, जो हैं जैसे मौसीकी हुई जैसे थिएटर हुआ जैसे ड्रामा हुआ फिल्म हुआ आपका हेरिटेज हुआ आपका हेरिटेज देखें साढ़े नौ हज़ार साल इसकी उम्र है और हमारे पास ऐसी जगह है कि अगर इनको डिवेलप किया जाए तरीके से ढंग से तो बेशुमार टूरिज़म के ज़राए बन सकते हैं सिर्फ़ बाहर के नहीं डोमेस्टिक टूरिज़म पे मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा रिलय करना चाहिए बशरत कि आप ये चीज़ें डेवलप करें ये आपका मौजूदार हुआ तख्तए हुआ टक्सला हुआ महरगढ़ वग़ैरह वग़ैरह फिर नेशनल टूरिज़म के जो ज़रा हैं इनको डेवलप करना जो है वो ऐसे जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हों आप इन्वेस्ट कर रहे हों आपने दानशमंदी से इन्वेस्ट करना है अपने ही असासों में जो मुसलसल आपको डिविडेंस देगा कैसे आप मैंने कहा ना कि टूरिज्म आप पूरा पाकिस्तान जो है बड़ा खूबसूरत है अगर वो फैसिलिटेट हो जाए जहाँ जहाँ वो खूबसूरतियाँ हैं यानी हमें वहाँ तक कहा था कि 40 अरब डॉलर का हम सालाना अर्न कर सकते हैं इधर कौन आएगा इन हालात में नहीं, मैं और कुछ शक नहीं है कि ये लिंक्ड है सिक्योरिटी के साथ फैसिलिटीज के साथ सिक्योरिटी हाँ। के साथ अगर आप फैसिलिटेट करें तमाम साइट्स को डेवलप करें और सिक्योरिटी इंश्योर करें फिर तो कोई भी नहीं रोकेगा ना नहीं डोमेस्टिक डोमेस्टिक ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि जी आप सिक्योरिटी इंश्योर करें बट हाउ अगेन मतलब ये है ऐसा इशू के जिसमें सब ने मिल बैठ के ही तय करना है कि सिक्योरिटी किस तरह से आएगी मेरा ख़्याल है कि एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है पूरी सोसाइटी में तमाम जितनी पार्टीज़ हैं वो एक टेबल पे बैठें और उनके दिल में वो ज़मीन का दर्द हो वो लेग पुलिंग उसमें ना हो और सारे के सारे इदारे जो भी पाकिस्तान में जो भी रोल प्ले करते रहें उन सब को रियलाइज़ होना चाहिए कि आपका मफाद जो है वो किस चीज़ में है के अलावा और कोई तरीका नहीं है डायलॉग भी एक ऐसा डायलॉग के एक ट्रूथ कमीशन हो जैसे साउथ अफ्रीका का था कितने साल वो गुलाम रहे तो एक नेल्सन कितना, कितना मंडेला इधर हर दूसरा आदमी कहता है मैं नेल्सन मंडेला हूँ जो ना, कुछ मर्जी कर, कर मेरा ख्याल है कि जो है, ये जो दावेदार हैं ये नेल्सन मंडेला के नाखून के बराबर भी नहीं है जितनी सदाकत से नेल्सन मंडेला ने अपनी कौम के लिए काम किया और जब वो एनेबल हुआ तो उसने रिवेंज नहीं लिया किसी से रिकनसिलियन रिकन्सिलियशन की तरफ आए तो की उसे इन सब को बैठ के जहन में ये रखना चाहिए कि हमने एक दूसरे की बात सुननी है हुँ। हुँ। ठीक है ना मुकालमे के बगैर आप कुछ नहीं ये कर बड़ी सकते बड़ी आपने खूबसूरत बात